आज सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज भी नीट ही ज्यादा करेंगे, यही टाइम आज हुआ तो हुआ, बट आज नीट का प्रीति आपको मार करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज नीट, आज नीट में ही आया हुआ ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। सेकंड लॉ वाला पकड़ना, जो लोग ऑफलाइन ऑनलाइन कर रहे हैं, सेकंड लॉ का क्वेश्चन जनरली पकड़ा जा रहा है, फर्स्ट लॉ का करो। तो ये पहला क्वेश्चन नीट 17 का है, नीट वालों का डेट अनाउंस हो गया इस बार, तो आप लोग भी अपना मोटा मोटी मान के चलिए कि अगस्त में ही पड़ेगा अगले साल से भी, 1 अगस्त में इस बार है तो आपका भी उसी रेंज में पड़ेगा। तो क्वेश्चन है, गैस मिक्सर कंसिस्ट्स ऑफ 2 moles ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 moles ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर टी, ठीक है, निगलेक्टिंग ऑल मोड्स ऑफ वाइब्रेशनल। जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्लास किए थे उसमें हम लोग देखे थे दो ही तरह का डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर किए थे, कौन कौन सा, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। एक्चुअली में वाइब्रेशनल भी होता है, ठीक है, जो कि इसमें नहीं लेना है, है ना। निगलेक्टिंग ऑल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, देन फाइंड द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमें बताना है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग किए थे डिराइव, कितना था देख के बताओ, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के लिए केटीजी में होगा, अच्छा हाफ एफआरटी था और ये 1 मोल के लिए था, एक्चुअली में ऐसे था n/3 एफआरटी। और आखिर तो एनर्जी निकालो, एनर्जी स्केलर है तो जोड़ने का आंसर आ जाएगा। पहले वाले में n कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल होता है, कितना मोल है, 2/2। ऑक्सीजन कौन सा गैस है, डाइएटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 सब कुछ इग्नोर करके चलना है तो 5 ही होगा, ठीक है। और 4 मोल आर्गन का, आर्गन कौन सा गैस है, कितना हो गया, 5 FRT + 6 FRT, दिस इज 11 RT। क्वेश्चन कहां से, 17 क्वेश्चन इंडिकेटर डायग्राम इंडिकेटेड डायग्राम में आपको मैं बताया था 95% क्वेश्चन जो है वो पीवी डायग्राम में रहता है, बट ऐसा नहीं बोला था 100% क्वेश्चन। वीटी पीटी और केमिस्ट्री में तो इंट्रोपी टेम्परेचर वगैरह का भी क्वेश्चन है, पढ़े हो कि नहीं मेरे को पता नहीं, बट उसमें इंट्रोपी टेम्परेचर, इंथैल्पी टेम्परेचर, उस पर भी क्वेश्चन हो जाता है। तो सिर्फ पीवी पर मैं बोल रहा हूँ कि पूरा चांस है पीवी पर आने का, बट ये आया हुआ क्वेश्चन और ये वीटी डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, वीटी डायग्राम दिया हुआ किसका, एक मोनो एटॉमिक गैस का, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, वीटी का ग्राफ दिया हुआ है। निकालना क्या है, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस, इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस व्हेन इट अंडरगोस अ चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू बी। ए टू बी यहां पर दिया हुआ है, ए यहां पर है और बी यहां पर है, और शायद टेम्परेचर भी शायद मेंशन हो या नहीं हो, कुछ नहीं मेंशन है। दीज आर टफ क्वेश्चन एक्चुअली। ए से बी पर गया और वर्क और हीट एब्जॉर्ब का रेशियो निकालो, कैसे होगा, एनी आइडिया। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स में क्या करते हो, पूरा महीना भर से चैप्टर चल रहा है, हाँ ऑब्वियस है, पहले प्रोसेस पहचाना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस नहीं पहचानोगे तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको डिराइव किए किसके किसके लिए, ऐसे थर्मोइक के लिए, एडियाबेटिक के लिए, और हीट एब्जॉर्ब क्यू बराबर MC∆T, MC∆T लगाते हो, तो पहले प्रोसेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो ये कौन सा प्रोसेस लग रहा है तुम्हें देखने, कुछ लग रहा है खास कि ऐसे ही कोई भी एक रैंडम थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, ये बताओ, ये कोई भी एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, क्वेश्चन बनाना शुरू करूं कि कोई खास तरह का थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, सोच के बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। जो लोग समझते हैं थोड़ा बताओ, हाथ चलाना पड़ेगा ना, टीडी ऐसे मैं क्या ही बताऊं तुमको, खुद से कुछ बताना पड़ेगा। कोई खास प्रोसेस है क्या, ये आइसोबेरिक है, कैसे पता चला, ये तो वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर के बारे में कैसे बता सकते हैं, ये अब मैथ का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, कौन वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, तभी ऐसा ग्राफ बनता है, वी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, है ना, ये हो गया वी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वी इज इक्वल टू कुछ लिख देते हैं ऐसे के टी, ठीक है,
के वैसे इस पूरे चैप्टर में बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट है, तो के से कंफ्यूज मत कर जाना, केटी बस एक प्रोपोर्शनल हटाने वाला कांस्टेंट है। और अब कुछ नहीं आया तो आइडियल गैस प्रेशर पीवी बराबर एनआरटी अगर लगाते हो, है ना, तो पी वी के जगह पर केटी है आर टी, ये टी से टी कट जा रहा है और पी बराबर क्या आ रहा है आर बाई के। आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट बाई कांस्टेंट ये कांस्टेंट है एक्चुअली में, डायरेक्टली तो नहीं बट ये ग्राफ देखकर के मालूम चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो आइसोबेरिक का क्वेश्चन। इतना पहचान ले रहे हो तभी आप कहेंगे परीक्षा निकल पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाता है, है ना। देख रहे हो वीटी डायग्राम है, आइसोबेरिक बताने के लिए प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए बट ये मालूम चल रहा है कि आइसोबेरिक का क्वेश्चन। एक बार मालूम चल गया क्वेश्चन आइसोबेरिक का, आप कुछ कुछ कर सकते हैं इसमें। एक चीज तो ये निकाल लेते पहले, हीट एब्जॉर्ब ये हम लोग निकाल लेते, हीट क्यू बराबर ये हम लोग पढ़े हैं नंबर ऑफ मोल, कुछ नहीं दिया हुआ है, एक लेना है तो ले लो, रेशियो का क्वेश्चन है वही ले लेते हैं, ठीक है। वन तो कैपिटल वाला सी पी होगा डीटी, क्योंकि आइसोबेरिक का पता लगा लिए हैं, है ना। तो ये क्यू बराबर वन के जगह वन, ये कौन सा गैस है, ये मोनोएटॉमिक का सीपी कितना होता है चेक कर लो, फाइव आर बाई टू, सीपी थ्री आर बाई टू, सीपी फाइव आर बाई टू इंटू क्यू तो निकल गया, W का जरूरत है। अब वर्क दो तरीके से निकालते हैं हम लोग, पीवी डायग्राम होता तो एरिया से निकालते हैं, तो पीवी डायग्राम भी है नहीं तो थोड़ा सोच सोच के निकालना पड़ेगा। वर्क डन डीडब्ल्यू बराबर जो है कैसा भी डीडब्ल्यू बराबर क्या होगा पीडीवी, और ये तो प्रैक्टिकली पीडीवी ही है क्योंकि ये जो है वो आइसोबेरिक है, पी बाहर आ जाएगा। सारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस में पीडीवी तो हम लोग ऐसे चीटिंग करने के लिए लिखते हैं, पी के जगह पर कुछ कुछ वैल्यू सेटअप करते हैं, ये तो आइसोबेरिक है, पी सच में बाहर है, पीडीवी से सचमुच आंसर आ जाएगा इसका क्योंकि आइसोबेरिक है इसी वजह से। तो W बराबर जो है वो PDB से काम चल जाएगा, बट ना P दिया हुआ है ना DB दिया हुआ है, थोड़ा दिक्कत है। आंसर तो PDB है बट ना P है ना B है, तो थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। अब थोड़ा कुछ क्या करना पड़ेगा, जो लोग अबव एवरेज जो लोग समझना, ये नहीं दिख रहा ना P दिख रहा है ना DB दिख रहा है, तो फिर आइडियल गैस इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर PB बराबर RT और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसी के रिस्पेक्ट में कर दो, आंसर तो आ जाते टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। चलो करो बताओ, पी इंटू वी इंटू आर बाहर, टेम्परेचर को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वन। अच्छा ये कौन सा प्रोसेस है पहचाने है अभी, आइसोबेरिक में ये वाला जीरो हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो। देख लो मैथ का कितना काम कर रहा है, नॉन मैथ का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है बट मैथ वालों को काम है, बिना डिफरेंशिएशन का आइडिया से क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा, मैथ वाले हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बचा क्या गया, पी डी वी बाई डी टी इसका जो आता है, पी डी वी के जगह पर आर डी टी मैनेज कर लेते हैं, कहां पर फंसे हो जाए डब्ल्यू पर, और डब्ल्यू बराबर पी डी वी के जगह पर सिर्फ आर डी टी, निकालना क्या था रेशियो निकालना था, किसका किसका ऊपर वर्क डन को रखना था, इधर आ जाएगा लिखे पे ऊपर वर्क नीचे हीट, वर्क का निकला आर डी टी और क्यू का निकला फाइव आर बाई टू डी टी, डी टी कट गया आर बाई आर कट गया, ये टू बाई फाइव आ गया। नीट लेवल पर इट इज कंसिडर एज अ टफ क्वेश्चन, नीट लेवल पर थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मेन सुन से इसी तरह का क्वेश्चन है, नीट के हिसाब से ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है, नीट के एग्जाम के हिसाब से टफ क्वेश्चन है। पहले तो पहचानना पड़ेगा कौन सा प्रोसेस है और फिर थोड़ा डिफरेंशिएशन वगैरह को भी हाथ में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 18 यूनिट का क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा, इसमें देखो बोल रहा है कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है थर्मोडायनामिक जिसमें हीट को ना हीट एब्जॉर्ब होता है ना रिलीज होता है थर्मोडायनामिक सिस्टम में, एडियाबेटिक आइसोबेरिक आइसोकोरिक आइसोथर्मल क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये नीट 19 का क्वेश्चन होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ हार्ड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे नहीं एग्जाम निकल सकता कुछ भी, 19 नीट से सिर्फ एक क्वेश्चन था। हाँ जिन लोगों को आसान लग रहा है क्वेश्चन उन लोग ये बात ध्यान में रखना कि सिर्फ तुम्ही को थोड़ी आसान लग रहा है, जो दिया हुआ उसके लिए आसान क्वेश्चन है ना। और मेरे बोलने का मतलब कि पहले से प्री डिटरमाइंड मत करके चलो कि हमसे होगा या नहीं होगा, थोड़ा पढ़ो ध्यान से प्रीवियस से प्रैक्टिस करके चलो, एग्जाम निकलने का पूरा चांसेस है जो बढ़िया पढ़ा उसका, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ूंगा तब तक सोचना, ये नीट 20 का है, ये क्वेश्चन खुद से सोचना होगा आपको। टू सिलेंडर है ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी, मतलब उसमें जो गैस है बराबर बराबर भर सकता है,
इक्वल कैपेसिटी है आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉक. स्टॉप कॉक समझते हो ना, ऑन ऑफ करने के लिए जो रहता है ना. 9th में पढ़े थे स्कूल में, देखे भी होंगे लैब में, ऑन ऑफ करने के लिए दोनों सिलेंडर के ज्वाइनिंग पर है, ऑन ऑफ बढ़ाना घटाने के लिए स्टॉप कॉक है. ए में एक आइडियल गैस भरा हुआ है जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है. बी पूरा खाली है, बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड और पूरा सिस्टम जो है वो थर्मली इंसुलेटेड है. थर्मली इंसुलेटेड का मतलब बाहर से ना हीट आया ना अंदर से जो हीट डेवलप हुआ वो गया. द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन. हम स्टॉप कॉक को ओपन कर देंगे, ठीक है. दोनों गैस थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने का कोशिश करेगा, है ना. जेरॉक लॉ को फॉलो करेगा, मतलब जेरॉक लॉ में तो ऐसे समझाने के लिए तीन गैस बताया जाता है. ए से बी के बीच में टेम्परेचर का चेंजेस होगा जिस वजह से दोनों जो है वो थर्मली इक्विलिब्रियम में आने का ट्राई करेगा. थर्मल इक्विलिब्रियम में जाएगा और बाहर से किसी तरह का से ना हीट का एंट्री है ना हीट बाहर आ रहा है. इस प्रोसेस को बताना है कि ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस हो गया. कंप्लीट प्रोसेस एडियाबेटिक हो सकता है, आइसोकोरिक हो सकता है, आइसोबेरिक हो सकता है, आइसोथर्मल हो सकता है. बताओ एडियाबेटिक आइसोथर्मल क्यों? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कैसे हो जाएगा? टेम्परेचर तो बाद में जाकर के कॉन्स्टेंट हो जाएगा. पूरा प्रोसेस थोड़ी आइसोथर्मल तो उसको कहते हैं जिसको थ्रू आउट टेम्परेचर सेम रहे. ये तो कंफर्म है ऊपर से अंदर की तरफ इवेपोरेटेड की तरफ आएगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, बाद में थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तो टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है. आइसोथर्मल तो हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है. यहाँ पर क्लियर कट हिंट है, बाकी सब सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए. यहाँ पर पूरा पूरी हिंट है. दिस इज एडियाबेटिक यानी बीच का क्वेश्चन इतना ही करना था, इसका कुछ नहीं करना. इतना बड़ा क्वेश्चन दिया था, इतना दिन इसको सपना बहुत. चलो पीएमटी 15 का बनाते हैं. अब ये मत बोलना बीच का 16-17 का आएगा, पहले के कॉपी में मिलाओगे मिल जाएगा, करवाया हुआ है. अब फॉलोइंग फिगर शोज टू पाथ दैट मे बी टेकन बाय अ गैस टू गो फ्रॉम स्टेट ए टू सी है. यहां से यहां का दो प्रोसेस है, ए टू सी. ध्यान से देख लेना, ए से बी है फिर बी से सी है, इसी को माना गया. ए बी में कितना हीट इन प्रोसेस ए बी 400 जूलो फीट इज एडेड टू द सिस्टम. खैर वैसे मैं सिखाया हूं एडेड टू द सिस्टम में क्यों कालू पॉजिटिव आता है, कैसे निकाला जाता है दिया हुआ है. और प्रोसेस बी सी में 100 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम. इसमें भी हीट एडेड, इसमें भी हीट एडेड, पहले भी सिखाया गया आपको. इन सब में हीट एडेड कर कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा. एफिशिएंसी वाला टॉपिक सिखाया था उसमें भी बताया था, उतना काम नहीं है इस क्वेश्चन में. हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, इन दोनों में एडेड है, एडेड है. और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोसेस ए सी, यहां से यहां में कितना हीट एब्जॉर्ब होगा वो तुमको बताना है. तो बना करके दिखाओ कितना होगा, कैसे बनेगा बता सकते हो? ए बी का दिया हुआ, बी सी का दिया हुआ, ये एक रिवर्सिबल साइकिल लग रहा है. इसके एरिया निकालने पर क्या निकल जाएगा? नेटवर्क डन, उसको तीन हिस्से में तोड़ देंगे. ए बी का दिया हुआ, बी सी का दिया हुआ, ए सी का वैसे निकल जाएगा. निकाल के देखो फटाफट आंसर आ जाना चाहिए. एरोमर किस तरफ होगा? अगर इस तरफ होता तो हीट रिजेक्टेड का क्वेश्चन हो जाता है ना, माइनस में आंसर आता. ये एरोमर इस तरफ ही है, इससे बनाना बनेगा वैसे ही. थोड़ा दिमाग लगाओ आंसर आ जाएगा. ये काफी आसान क्वेश्चन है. ये जो वैल्यू दिया हुआ इसका काम पड़ेगा, बट पहले हम लोग टोटल क्वांटम निकाल लेते हैं. कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सेबल प्रोसेस. रिवर्सेबल साइकिल में टोटल क्वांटम कैसे निकालते हैं? बीच वाला जो एरिया दिख रहा है ये निकाल देने पर हो जाएगा. तो ये ट्राइंगल टाइप का लग रहा है, जैसे हाफ इसका बेस यहां से यहां तक 2 × 10⁻⁴ = 40 जूल. ये टोटल है, ठीक है. अब इसको तीन हिस्से में तोड़ते हैं, दिख ही रहा है किसके किस में होते हुए आया है. ए बी बी सी सी ए है ना. तो ए बी का दिया हुआ था 400, बीसी का प्लस सीए का, ये सब जोड़ के 40 आना चाहिए. 500 में से उधर चला गया डब्ल्यू सी ए, दिस इज माइनस 460
460। तो ये सी से का माइनस आना ही था, कंपलसरी था। एरोमार इधर आता तो साफ पता चलता है कि उसमें हीट जो है वो रिजेक्ट कर देता, बट एब्जॉर्ब भी कुछ एरोमार इधर दिया हुआ है, तो बस सी से का नहीं ए से सी निकालना था। तो दिस वुड हैव बीन प्लस 460 जूल। ओके आंसर नीट का जनरली बहुत आसान है, वो 18 वाला जो है जिसको पता लगा 1 mole of an ideal diatomic gas, 1 mole of an ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B along the path AB as shown. MT15 का है, मैं मान के चल रहा हूं आप लोग ये बना के दिखा पाएंगे अभी क्वेश्चन है ना, as shown. ये पीवी डायग्राम है, तो थोड़ा सा और हमारे पास पॉजिटिव सेंस है कि शायद हम लोग बना पाए। प्रेशर लेकिन किलो पास्कल में दिया हुआ देख लेना, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हुआ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बहुत बार बताया हूं क्या फॉर्मूला आता है इसका। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज 20 किलो जूल माइनस 20 किलो जूल, 20 जूल और माइनस 12 किलो जूल, बना के देखो क्या होता है। क्या वो फंस गया फिर से नहीं बन रहा है क्या? हम तो पहले से फंसे हुए हैं। तुम चप्पल से बनाओ अंशु जी, तुम मार खाएगी मेरे से जी अंशु गधी। मास्क लगाओ, मास्क पहनो, चलो इसको देखिए ना, टेंशन फ्री है। बताओ बताओ चलो एपीजीपी बताओ कैसे बनेगा ये? अरे डीयू का फॉर्मूला, डीयू का फॉर्मूला सीपीडीटी, और सीडी का फॉर्मूला हमें मालूम है डाइएटमिक का फाइव आर बैठे, बस डीटी बचा, अब आगे बन नहीं रहा। नहीं अब कुछ लोग इसमें सीधा इक्वेशन ऑफ शेप लगा दिए, लगता नहीं उसका भी काम है, उससे भी थोड़ा आसानी से बनना चाहिए। देखते हैं ये ए है, ये बी है, यहाँ का ये वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर भी होता उसका नाम टी ए मान लेते हैं, पी भी है, टी होता ना कुछ, और यहाँ पर टी भी होता है ना बस। तो डीपी का मतलब कितना हो जाता है, फाइव आर बाई टू चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाता है, दिस इज लाइक पी भी माइनस टी ए। अब ये निकालना है, आ नहीं रहा मेरे को निकालने, तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे लेकिन थोड़ा आराम से, डिफ्रेंसिएशन वगैरह का नौबत शायद नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन है क्या ही डिफ्रेंसिएशन का झमेला करना है, सीधा पीवी बराबर आर टी, इसे टी के जगह पर पीवी बाई आर सेट हो जाता है, तो टी बी के जगह पर क्या सेट हो जाता है, टी बी के जगह बोलो बैठे नहीं कुछ नहीं मिलेगा, पी बी डी बी बाई आर माइनस टी ए के जगह पर पी ए बी बी बाई आर, ये सेट हो सकता था है ना। एलसीएम खेलते तो आर 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 कट जाता है एक्चुअली में, तो फाइव बाई टू सीधा पी बी 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 माइनस टी ए बी ए से काम चल सकता था। अब वैल्यू दिया तो सेट कर देते हैं, पी बी 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 B पर प्रेशर कितना दिया होता है 2 किलो पास्कल है, 2 इंटू 10 की पावर 3 और बी बी वाज 6 माइनस पी ए बी ए पी ए बी ए पी ए बी ए बोलो 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4 आगे बताओ 5 बाई 2 12 में से 20 गया माइनस 8 इंटू 10 की पावर 3 ओके माइनस 20 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 20 किलो जूल माइनस 20 किलो जूल इस क्वेश्चन का आंसर होगा ठीक है। तो ये नीट 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे बनाना पड़ेगा घबरा गए बीच में तो कहीं भी पढ़े हो किसी भी बुक से पढ़े हो सेंटर पर घबरा गए तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाओगे ठीक है। यहीं तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।